अब देखिए ये क्या है, अब लोगों को भांग पीते हुए सबने सुना होगा और पीते भी हैं। जब शिवरात्रि का त्योहार आता है तो लोग भांग पीकर ऐसा, जिसे डांस करना नहीं भी आता ना, वो भी नाचने लगता है। तो देखिए भांग में कितनी ज्यादा शक्ति होती है कि जिसको नहीं भी आता उसको भी नचा देती है। अब गिद्ध है, पंजाब के जो गिद्ध है ना, पंजाब, अब पंजाब के लोगों को तो डांस आता ही आता है, लेकिन वहां के जो गिद्ध है वो भी कम नहीं है। शिवरात्रि पे अच्छी खासी क्या है, भांग बनी हुई थी। आते हैं यहाँ पर गिद्ध इकट्ठा होकर, अपनी टोली बनाकर यहाँ पर आते हैं और मजे मजे में क्या है, भांग पी लेते हैं। देखिए ये गिद्ध आया, देखिए कैसे नाच रहा है, दिख भी रहा होगा आपको डांस करता हुआ, कैसे एक पैर यहाँ पे मटक मटक के नाच रहा है यहाँ पर गिद्ध जो है, क्योंकि भांग पी हुई बेचारे ने, वैसे तो कुछ आता नहीं है इसे, लेकिन ये भांग थी और यहाँ पर इसने क्या है पी ली है। और पंजाब का जो ये गिद्ध है, ये क्या है यहाँ पर डांस करने लग जाता है। तो दोस्तों क्या बताया मैंने, पंजाब के गिद्ध भांग पीकर नाचते हैं, वैसे तो नहीं, लेकिन भांग पीकर जो है उनमें जोश आ जाता है और वो डांस करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, विकी कुमार, भांगड़ा गिद्धा, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर, भांगड़ा और गिद्धा ये दोनों। देखिए गिद्ध से क्या होगा, गिद्धा डांस, कौन सा डांस है यहाँ पर, गिद्धा डांस। गिद्धा जो नृत्य है, गिद्धा जो नृत्य है वो क्या है, पंजाब का है। और जो भांग से क्या है, भांग से यहां पर होगा आपका भांगड़ा नृत्य। अब वैसे कह दो किसी को शादी ब्याह में या फिर कोई भी मौका हो कि भाई डांस करके दिखाओ, 100 तरह के नखरे दिखाएंगे, लेकिन एक बार अगर उनको अच्छी वाली चीज पिला दी जाए तो ऐसा नाचेंगे कि जिन्हें नहीं, जिन्हें आता है ना वो भी फेल हो जाते हैं उनके सामने। तो ये है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा, गिद्ध और भांग, यानी कि गिद्धा और भांगड़ा, तो ये दो ही जो है पंजाब के नृत्य हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा पंजाब से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है यहाँ पर।